अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयुष कुकिंग। आयुष कुकिंग में आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है ट्विस्टेड समोसा रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसको इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और शाम में स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको चाय के साथ बना सकते हैं। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसको लाइक करने वाले हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक दफ़ा अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो है 1/2 kg आलू लिए, उसको बॉईल कर लिया, उसका छिलका उतार लेना है। अब हमने इसको अच्छे से मैश करना है। अब देखिए हमारे आलू मैश हो चुके हैं। इस स्टेज पे हमने 1 टीस्पून हमने जीरा ऐड किया, 1 टीस्पून हमने रेड चिली ऐड की, 1 टीस्पून ही हमने सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून ही हमने रेड चिली ऐड की। 1/2 कप हमने धनिया पुदीना ऐड करना है और सब्ज मिर्चें। 1 टीस्पून हमने विनीगर ऐड किया और 1 टीस्पून ही हमने चिली सॉस ऐड की। हमने इन तमाम चीजों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। इस स्टेज पे हमने जो है हमने बेसन ऐड करना है 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने मैदा ऐड किया। ये बाउंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि इससे जो हमारा मेजा है वो बिल्कुल बिखरता नहीं है ऑयल में जाके। अब हमने इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। दूसरी तरफ हमने डो तैयार करने के लिए हमने 1.5 कप हमने मैदा लेना है। उसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड किया, 1/2 टीस्पून हमने कलौंजी ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड करना है। अब हमने पहले इसको हाथों से मिक्स करना है अच्छे से। अब हमने पानी जितना रिक्वायर्ड हो साथ साथ ऐड करते जाना है और हमने इसको गूंदना है। एक अच्छी सी डो इसकी तैयार करनी है जो बहुत ज्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज्यादा सख्त भी ना हो। देखिए हम साथ साथ जो पानी भी ऐड कर रहे हैं, अब हमने इसको अच्छे से गूंदना है। देखिए हमारा जो है ये गुन के हमने इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब देखिए इसको 15 मिनट हो चुके हैं और हमने ऊपर से इसको ऑयल भी थोड़ा सा जो है लगा दिया ताकि ये हाथों को ना चिपके। अब हमने इसको ले लेना है, इसको 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर लेना है। हमने इसके 2 पेड़े बनाने हैं। अब हमने इसके 2 पेड़े बना लिए। अब हमने एक पेड़ा लिया, उसको बेलना है। अब देखिए हमने एक जो है वो रोटी बेल ली है, अब हमने इसको साइड पे कर देना है। अब दूसरा पेड़ा लेना है, उसको भी सेम उसी तरह हमने बेलना है। अब हमने इस पे जो है अपनी जो फिलिंग तैयार की है हमने वो बहुत अच्छे से इसको फैला देनी है। अब देखिए हमने बहुत अच्छे से सारी फिलिंग हमने पूरी जो अपनी रोटी पे हमने फैला दी है। अब हमने जो दूसरी रोटी बेली है उसको इसके ऊपर सेट करना है। इसको बिल्कुल पूरा पूरा उसके ऊपर जो है वो सेट करना है और साइड भी थोड़ी प्रेस कर देनी है।
अब हमने जो है लेयर्स में काटना है हमने। अब हमने इसको दरमियान में से काटना है। अब हमने एक एक लेयर लेनी है और उसको ट्विस्ट करते जाना है जिस तरह आप कर सकें, क्योंकि मेरी जो डो है वो बहुत ही नरम और बहुत ही मजे की बनकर तैयार हुई है, तो ये बहुत ही जल्दी यानी कि ट्विस्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमने सारे अपने ट्विस्टर तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इतने ज्यादा हमारे ट्विस्टर तैयार हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल गरम करना है और एक एक जो है वो ट्विस्टर हमने इसमें डालते जाना है। देख सकते हैं कि हमारी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकली ऑयल में, बिल्कुल भी हमारा ऑयल खराब नहीं हुआ। तो यही टेक्टस होता है कि आप जब फिलिंग बनाने लगे तो आप उसको किस तरह तैयार करते हैं। अब आप इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको साइड पलटते रहें ताकि चारों तरफ से इक्वल कलर आ सके। आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये ट्विस्टर हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पे हमने इसको निकाल लेना है। इसी प्रोसीजर में हमारे जो और ट्विस्टर है हमने उसको भी फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही मजेदार ट्विस्ट समोसा बनकर तैयार हैं। आपको देखने से भी लग रहा है कि ये कितने मजेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको बहुत ज्यादा ये लाइक करने वाले हैं, क्योंकि आप इसको इफ्तार में बनाएं, शाम में चाय के साथ इसको बनाएं, तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक दफा फिर मेरे अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।